तो दोस्तों ये कस्टमर का फ़ोन आया मेरे पास और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये चलता है और देन लोगों पर ही अटक जाता है। और इसमें एक प्रॉब्लम और भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि आपके मोबाइल में अगर लॉक लगा होता है तो वो भी इसी से ठीक हो जाएगा। तो ये है कि इसमें जो है लोगों पर जा कर के रुक जाता है, यानी जियो पर ही जा कर रुक जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे। तो सिंपल सा आपको डायल के ऊपर वाली बटन को प्रेस करना है, ऑन ऑफ बटन प्रेस करना है। ऑन ऑफ बटन छोड़ने के बाद आपको ऊपर वाली बटन ही को प्रेस करके रखना है, देन आपका जो मोबाइल है वो रिकवरी मोड पे आ जाता है, जहाँ से आप अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो एक बार में नहीं आया, चलिए हम दोबारा से लगाते हैं बैटरी को और दोबारा से हम ऊपर वाली जो बटन होती है और पावर बटन होती है, सबसे पहले उसको फिर पावर बटन को तेज़ी से प्रेस करके रखेंगे। क्योंकि जियो में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है गाइस लोग कि इसमें बटन की जो प्रॉब्लम होती है ना, की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंपल सा जो है रिकवरी मोड आ गया है, तो हम सिंपल सा अपने फैक्ट्री डाटा रिसेट होता है जो वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, वहाँ पर जा कर के और फिर ये इस पर जा कर के देन इसको फॉरवर्ड कर लेंगे। तो जो भी मोबाइल की प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व हो जाएगी, जैसे कि लॉक लगा होता है, स्क्रीन लॉक होता है, या फिर मोबाइल हैंग होकर रुक जाता है। तो लगभग 90% तो फ़ोन जो है वो अगर जियो पे रुका होता है तो वो फॉर्मेट करने से आ ही जाता है। अगर बेसिकली अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो फिर आपको पूरा सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत होती है। अगर आप दुकानदार हैं तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं बिना किसी बॉक्स के। अगर और अगर आप कोई कस्टमर हैं या फिर आपके पास कोई शॉप दुकान नहीं है तो फिर आप शॉप की दुकान में जा कर के फिर वहीं से आपको करवाना पड़ेगा, जो भी उसका चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।